नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। मैं अब तक सफेद दाग के 1 लाख से ज्यादा पेशेंट से मिल चुकी हूं, और एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि सफेद दाग के पेशेंट्स का सफेद दाग की तरफ नजरिया या उनका एस्पेक्ट या एटीट्यूड कह लीजिए बहुत अलग अलग है। यानी कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि हमें सफेद दाग से फर्क नहीं पड़ता, अगर ये इजीली सफेद दाग ठीक हो सकता है तो हम करेंगे, नहीं तो वी आर हैप्पी। और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमें ऐसी थॉट्स आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वही सफेद दाग वही इंसान, पर इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए इंसान का नजरिया या एस्पेक्ट बहुत वेरिएशन में है, बहुत ज्यादा डिफरेंट एटीट्यूड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें सफेद दाग के प्रति अपना नजरिया या अपना एटीट्यूड किस तरह का रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मेरे ज्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो आयुर्वेदा ग्रंथों पर बेस्ड होते हैं, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर भी ढूंढती हूँ और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ। पर आज जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं सफेद दाग के प्रति क्या एटीट्यूड रखती हूँ या क्या एटीट्यूड होना चाहिए लोगों का ये समझती हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से कुछ केसेस मुझे याद रह जाते हैं। आज मैं कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगी, आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि सफेद दाग किस तरह का है, आज मैं बताऊंगी कि लोगों का एटीट्यूड कैसे होता है। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक मेरे पास 42 ईयर्स की फीमेल आती है जो बोलती है कि मुझे सफेद दाग की वजह से बहुत टेंशन है, मेरा घर के काम में मन नहीं लगता, बच्चों को खाना देने का मन नहीं करता, कुछ बनाने का मन नहीं करता। मैं उनसे 2-3 सवाल करती हूँ कि क्या आपके घर में सफेद दाग की वजह से कोई दिक्कत है, क्या आपके फैमिली मेंबर्स आपके हस्बैंड इसके लिए आपको परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट आते हैं मेरे को जहां पर फैमिली मेंबर्स ही सपोर्ट नहीं करते, वो मैं समझती हूँ कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम में है लोग। तो इन पेशेंट का जवाब था कि नहीं, फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं, किसी को सफेद दाग से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हस्बैंड और बच्चे तो कहते हैं कि सफेद दाग के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन पेशेंट का कहना है कि सफेद दाग उनको इतना स्ट्रेस देता है कि वो अपने घर वालों का ही ध्यान नहीं रख पाती हैं। वो एक हाउसवाइफ है फिर भी घर का काम नहीं करती हैं, खाना बनाने का जी नहीं करता है, सब कुछ एक ड्यूटी की तरह जबरदस्ती बेमन से कर रही हैं, और बच्चों और हस्बैंड को जितना टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे रही हैं। तो क्या वाकई ये एटीट्यूड ठीक है? क्या सफेद दाग में जब उनके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं तो उनका फर्ज नहीं बनता कि वो भी सफेद दाग को भूल कर या सफेद दाग की इतनी परवाह ना करें जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अपने घर वालों को टाइम ना दे पाए, बल्कि उनको चाहिए कि उन्हें बहुत अच्छे हस्बैंड या अच्छे ससुराल वाले मिले हैं तो बल्कि वो उनका ज्यादा ध्यान रखें। ऐसे ही अब मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरे पास एक बार एक 26 साल की सफेद दाग से पीड़िता फीमेल ट्रीटमेंट ले रही थी। ऑल दो ट्रीटमेंट लेते लेते वो ठीक भी हो रही थी, पर तब उनके लिए एक रिश्ता आया एक ऐसे लड़के का जिसे खुद भी सफेद दाग था। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अक्सर पेशेंट्स को बताती हूँ कि सफेद दाग में शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर लोगों को ऑब्जेक्शन है तो आप उसके अगेंस्ट, मतलब अगर आपको सफेद दाग है तो आपके पार्टनर में भी हो सकता है छोटे मोटे कोई कमी हो, तो वहां पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है कि उनकी हाइट थोड़ी कम हो, ऐसी कोई समस्या हो। पर जहां इन लड़की को जिसका रिश्ता आया था उनको सफेद दाग था, और ये लड़की परेशान थी कि मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती जिसको सफेद दाग है। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि आपको खुद को सफेद दाग है फिर भी आपका एटीट्यूड ऐसा है कि क्या आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर से शादी नहीं कर सकते जिसको सफेद दाग है, क्या ये एटीट्यूड सही है? तो एक्चुअली मैं अपनी राय देने से पहले कि एटीट्यूड सफेद दाग के लिए कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ये तो मैं भली भांति समझती हूँ कि समस्या कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, यानी कि हमारे अंदर विकृति पैथोलॉजी कोई भी हो, हम में से किसी को भी वो अच्छी नहीं लग सकती। किसी को कोई भी समस्या आती है वो उसे ठीक करना चाहता है, लेकिन मेडिकल साइंस के मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे हम 2 तरह की डिजीज
इसमें समझ सकते हैं। एक वो जिन्हें असेंशियल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, असेंशियल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे अगर किसी को शुगर हो जाए, किसी का बीपी बढ़ जाए, किसी को थायराइड हो जाए, किसी को एनीमिया हो, किसी का फैटी लिवर हो, तो क्या होगा अगर शुरू में कोई सिम्टम नहीं भी है, आप दवाएं नहीं करोगे तो आखिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आपके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाए। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसे हम कहते हैं नॉन असेंशियल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें कुछ खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप ट्रीटमेंट बाय चॉइस ले सकते हो। जैसे कि अगर किसी की हाइट बहुत कम है, या किसी के बाल झड़ गए हैं, कोई गंजा हो गया है, किसी को एक्ने है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, आजकल बहुत कॉमन है हाइपर पिगमेंटेशन, चेहरे पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आपको कल को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, या ये बीमारी आपके अंदर कोई और समस्या पैदा कर रही है। और इसी कैटेगरी में जो डिसऑर्डर आता है वो है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग, विटिलिगो, ये नॉन असेंशियल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है, यानी कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ देखने में बुरा लगता है। फिर से मैं कहना चाहूंगी कि अपनी एडवाइस शेयर करने से पहले, बताने से पहले, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स सोचती हूँ ल्यूकोडर्मा को लेकर, उसके एटीट्यूड को डिसाइड करने से पहले कौन से पॉइंट्स कंसीडरेबल हैं। सबसे पहला ये कि सफेद दाग आपको फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके सोचने की क्षमता, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे एक नॉर्मल इंसान का है। आप वो हर काम कर सकते हो जो कोई और कर सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी, सफेद दाग किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये कंटेजियस नहीं है। तो ये जो समाज में डर है कि ये फैलेगा, एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, ना ही ये फैलता है। तीसरा पॉइंट में मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि लोग जो सफेद दाग से इसलिए इतना ज्यादा परेशान होते हैं या इसलिए इतना ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की बहुत परवाह है। हमारी सोसाइटी में सफेद दाग को अच्छा नहीं मानते, बट अपने 17 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लोगों का एटीट्यूड सफेद दाग की तरफ बढ़ रहा है। आज भी यकीनन ऐसे लोग हैं जो सफेद दाग को बुरा समझते हैं और लोग इल ट्रीट करते हैं, लेकिन ये संख्या, ये इंसिडेंस पहले से बहुत कम हुआ है। हालांकि और भी चेंज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी हम ऐसी स्थिति में है जहां पे चेंजेस आना शुरू हो गया है, बट ये चेंज जो है ये कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए ताकि लोग सफेद दाग को इतना बुरा माने ही ना। जब लोग इतना बुरा नहीं मानेगी, हमारी सोसाइटी इतना बुरा नहीं मानेगी, तो यकीनन जिसे सफेद दाग है उसे भी उतना स्ट्रेस नहीं होगा। सफेद दाग के सफरर्स को, या सफेद दाग के जिन सफरर्स को स्ट्रेस ज्यादा होता है, उन्हें मैं दो कैटेगरीज में बांट सकती हूँ। एक वो जो लोगों के डर की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, लाइक उनकी लाइफ में लोगों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जबकि मैं बार बार समझाती हूँ कि आपके घर वाले, आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार, आपके बहुत सगे संबंधी लोग जो हैं, उन्हें आपके दागों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कोई बाहर वाला आपको कमेंट कर सकता है या आपके लिए कुछ ऊपर नीचे सोच सकता है। तो वैसे तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और लोगों की परवाह करने के चक्कर में अपने घर वालों का नुकसान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, स्ट्रेस में रह रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि सफेद दाग जिसे होता है उसके घर वाले दागों से तो दुखी नहीं होते, बट उस पर्टिकुलर बंदे के स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सफेद दाग को खुद से ही ठीक नहीं समझते। ये वो लोग होते हैं जब इन्हें सफेद दाग नहीं होता तो ये तब भी सफेद दाग को देखकर घबराते होते हैं, उसे बुरा समझते होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमारे को जो बदलाव सोसाइटी में चाहिए, ये चेंज सबसे पहले आप अपने अंदर से लाएं। सबसे पहले आप में से जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर कोई आज से समझे कि हम सफेद दाग को बुरा नहीं मानेंगे, और बल्कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
जिन्हें सफेद दाग हैं उन तक तो ये मैसेज जाना ही चाहिए, पर जिन्हें सफेद दाग नहीं है आज मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो वो भी देखें और समझें कि सफेद दाग को बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। ये एक आम समस्या है, जैसे किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी का वजन थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, किसी के बाल ज्यादा या बाल कम हो सकते हैं, ये बस इतना ही इसका लेन देन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मेरी समझ से सफेद दाग के प्रति हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा काला होता है तो वो थोड़ा गोरा होने की कोशिश करता है, ऐसी मेडिसिन बाहर से लेता है जिससे रंग थोड़ा साफ हो जाए। मैं ये भली भांति समझती हूँ कि हमारी लुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप ये सोचें कि हम सुसाइड कर लें या आप इतने स्ट्रेस में रहें कि घर की बाकी चीजें अपनी नॉर्मल लाइफ ठीक से ना जी सके। इतना ज्यादा टेंशन या इतनी ज्यादा तवज्जो सफेद दाग को देने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सफेद दाग आजकल के टाइम पे जहां आयुर्वेदिक हर्ब्स को बहुत रिसर्च किया जा रहा है और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन की दवाइयां बनाई जा रही हैं, आजकल सफेद दाग 100% क्योर हो सकता है। तो आपको सफेद दाग को लेकर बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और इसको अपनी लाइफ में इतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितने कि आप किसी और कॉस्मेटिक डिसऑर्डर को देते हैं। अगर आप सफेद दाग ठीक कराना चाहते हैं तो यकीनन उसमें आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, 100% रिकवरी के लिए एफर्ट्स जरूर डालने होते हैं, आप मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखिए। और स्पेशली मैं ये भी बताना चाहूंगी जिन्हें सफेद दाग नहीं है उन्हें भी सफेद दाग के लोगों को डिफरेंटली बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें घूरना नहीं चाहिए, वो उसके साथ आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। सफेद दाग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं आता है। तो इस तरह से हमें सफेद दाग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।